हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और यूट्यूब वीडियो में। अब किसी का भाई किसी की जान, एक हफ्ता रह गया, प्रमोशन धड़ल्ले से स्टार्ट हो गया। सामने चंगेज भी खड़ी है और चंगेज का भी बज आप लोगों से छुपा नहीं है, मतलब किस तरह का बज है। लेकिन इस पे एक स्टेटमेंट ऐसा दे दिया है फराह सामजी ने, जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, उन्होंने एक बहुत ही एक ऐसा चौंका देने वाला एक फनी सा वो बोल दिया कि इसका जो इंटरवल ब्लॉक होने वाला है किसी का भाई किसी जान का, सबसे तगड़ा होने वाला है। अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह का इंटरवल सीक्वेंस नहीं हुआ है और ना किसी ने देखा हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सलमान भाई को नंगा करने वाले हैं इसमें, मतलब क्या करने वाले हैं, कुछ तो हिंट दो। लेकिन कुछ भी समझ, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है। अब देखो, मूवी की जब मूवी आती है ना, तो मूवी की हाइप बनाने के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। लेकिन ठीक है, भरत साम जी अपने एक ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे और याद आ गई, लगे हाँ तो उसका भी मैं रिएक्शन दे ही देते हैं। जितना गंदा हम समझते हैं ना फराज साम जी को, उतना गंदा है नहीं यार। देखो, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। कल मैंने जो एक उनकी वेब सीरीज है डिज्नी प्लस हॉट स्टार की, पॉपकॉर्न है, वो मैंने कल देखी यार। भाई साहब, मुझे इतनी पसंद आई वो, इतनी अच्छी लगी, मतलब मेरे दिल से यही आवाज़ निकल रही थी कि यार जितना ट्रोल करते हैं ना फराज साम जी को, उतना बंदा वो गंदा है नहीं है, कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर, तभी वो आज यहाँ पे पहुँचा है। मतलब वो कहते हैं ना कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, वही वाला सीन है। आप उसमें दाव पेच देखें रात को, मैंने एक तो इतने लेजेंडरी कॉमेडियंस, उनको देख के हंसी आ रही थी। ऊपर से हर 2 मिनट के अंदर जो एक पंच था, जो एक कॉमिक टाइमिंग थी, इतनी लाजवाब थी और इतना तगड़ा सीक्वेंस है। मतलब अगर देखो, एक कॉमेडी मूवी है, मैं कॉमेडी को सिर्फ हंसने के उद्देश्य से देखता हूँ कि मुझे हंसी आना चाहिए, तो मैं तो भरपेट हंसा, खुल के हंसा। और अगर आप इसमें लॉजिक निकालने बैठेंगे तो लॉजिक भी मेरे ख्याल से नहीं निकालना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन डायरेक्शन की मैं बात करूं, स्क्रीन प्ले की मैं बात करूं, स्क्रिप्ट की मैं बात करूं, हाँ डायलॉग हालांकि होते हैं उनके सोशल मीडिया मीम्स टाइप के होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन और भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, वो सारी चीज़ें मुझे पूरी परफेक्ट लगी। तो मेरे दिल से यही आवाज आई कि जितना गंदा उसको बोला जाता है, उतना गंदा डायरेक्टर मेरे ख्याल से वो है नहीं। अब आने वाली फिल्म उनकी कौन सी है, किसी का भाई किसी की जान, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है। प्रमोशन भी धड़ल्ले से चल रहा है, अब देखते हैं इस फिल्म का फ्यूचर क्या होता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, मैं लिख कर जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।